हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका स्वागत है सीए पीयूष मित्तल के चैनल में। गाइस, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कि हमें ट्रेडमार्क चेक करना है। दैट इज़, आप मान लीजिए कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई अपनी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क के लिए भी चेक करना है कि मैं इस नाम को अपने फर्म के नाम से या पर्सनल नाम से रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे चेक करूँ कि क्या पहले से किसी ने इस मेरा लोगो या मेरा नाम किसी ने या मेरा ब्रांड नेम किसी ने पहले से लिया हुआ तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको किस तरह से चेक करना है। ओके गाइस, आपको गूगल में जाके करना है सर्च ट्रेडमार्क। आप सर्च ट्रेडमार्क करेंगे तो एक गवर्नमेंट की आईपीआर वाली वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख पा रहे हैं ipr.india.gov.in। ओके गाइस, ये आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये एक वेबसाइट खुल के सामने आ गई है दोस्तों। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इसी जेन्युइन वेबसाइट से चेक कीजिएगा, किसी फेक वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ। जूमिंग करने के साथ मुझे एक स्कूल है उसका नेम मुझे चेक करना है कि क्या इस स्कूल का नेम क्या पहले से लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। मैं बिल्कुल चेक कर देता हूँ गाइस। ओके, ये किड्स कॉन्वेंट करके एक स्कूल है, तो मुझे इस स्कूल का नेम चेक करना है। और मैंने कॉपी कर लिया है ये, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये आगे कैसे चेक करना है। ओके, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि एक हर प्रोडक्ट की एक क्लास गवर्नमेंट ने डिसाइड की गई है। कि जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए काफ़ी हद तक कि कौन से स्कूल की कौन से क्लास की किस प्रोडक्ट की क्या क्लास होगी। ओके गाइस, तो मैं ट्रेडमार्क क्लास करके मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ट्रेडमार्क क्लास करके आप देखेंगे करीबन ये देखिए। ओके गाइस, हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, आप क्लास देख पा रहे हैं, क्लास वन, क्लास टू, मतलब आप देख रहे हैं हर क्लास के नीचे कुछ प्रोडक्ट मेंशन किए हुए हैं। तो ऐसे ही मेरे को अब मेरा स्कूल का चेक करना है कि स्कूल का कौन सा क्लास होगा। तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। एक्चुअली क्या है इसमें, करीबन आप मान के चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रॉक्स 34 क्लास तक प्रोडक्ट हैं और 35 क्लास से सर्विस चालू हो जाती हैं। मैं वापस बता देता हूँ आपको, 34th क्लास तक प्रोडक्ट हैं, 35 क्लास से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। हमारा स्कूल का काम है, तो आप देख पा रहे हैं क्लास 41 है जिसके अंदर एजुकेशन सर्विस है। ओके गाइस, तो हम लोग क्लास 41 की बात कर रहे हैं, तो हमको क्लास डालना है उसके अंदर। हम लोग अपना टैब चेंज कर लेते हैं, क्लास 41 में हम जाके इसे कर देते हैं। जस्ट वेट। ओके, दैट इज क्लास, आई थिंक टैब शायद वापस गायब हो गया है, तो हम वापस से सर्च कर देते हैं ट्रेडमार्क। सॉरी, हम लोग सर्च ट्रेडमार्क करते हैं, गूगल पे सर्च ट्रेडमार्क करेंगे। वापस से देख लीजिए, अच्छी बात है। सर्च ट्रेडमार्क के अंदर हम लोग पब्लिक सर्च के अंदर जाएंगे। ये आईपीआर की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपको इसी पे जाके सर्च करना है। ये मैंने नाम को पेस्ट कर दिया है। अब आपको जो मेरा मोस्टली नेम है, आप देख पा रहे हैं किड्स वर्ड करके है, किड्स वर्ड कॉन्वेंट स्कूल। ओके गाइस, मैं क्लास 41 के अंदर इसको डाल देता हूँ और मुझे गुड्स डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है। आगे मैं इसको सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइस, सर्च करते ही देख लेते हैं इसका कि क्या हमारा जो कोड है वो अवेलेबल है या नहीं है। थोड़ा सा नेट की स्पीड को चेंज कर देते हैं। ओके, जैसे कि सर्च का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो हम लोगों ने नेम सर्च किया था किड्स कॉन्वेंट स्कूल करके, वो हमें मोस्टली मिल जाएगा दोस्तों। अब वापस से हम एक चीज़ और सर्च करते हैं। अभी हम स्कूल वर्ड को हटा के या कॉन्वेंट वर्ड को हटा के हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो वापस से हम इसको देख लेते हैं। अब वापस से हम इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट, और हम स्कूल का जो नेम है उसे हम डिलीट कर देते हैं।
हम चेक करते हैं यहाँ पर किड्स वर्ड स्कूल, ओके गाइस, किड्स वर्ड स्कूल और क्लास 41। दोस्तों क्लास आपको खुद आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चूज़ करनी पड़ेगी। और मैं इसको सर्च करता हूँ वापस से, आप देखते हैं इसके अंदर, देखिए किड्स वर्ड्स करके काफ़ी सारे स्कूल ऑलरेडी शो कर रहे हैं, किड्स वर्ड्स, किड्स वर्ड्स डिवाइस के, किड्स वर्ड्स। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या किड्स वर्ड्स कॉन्वेंट करके मुझे इसको अगर लगाऊंगा तो क्या मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लोग डिफरेंट नेम से यूज़ कर रहे हैं, जैसे किड्स वर्ड्स किड्स इसने यूज़ किया है, किड्स वर्ड्स नर्सरी है, किड्स वर्ड्स आपका सिंगल किड्स वर्ड्स है जो अभी अशरत अली शेख है इनके नाम से उन्होंने अपने लिया हुआ है, किड्स वर्ड्स का जो ओनली सिंगल किड्स वर्ड्स लगाया वो रिफ्यूज़ हो गया है, किड्स वर्ड्स लगाया रिफ्यूज़ हो गया है, किड्स वर्ड्स रजिस्टर्ड है राजेश श्रीधर के नाम से, किड्स वर्ड्स प्री स्कूल विद डिवाइस। एक्चुअली इसमें ये आप देख पा रहे हैं कि अगर आप स्कूल के नेम के साथ कि अगर इनका आप यूज़ करेंगे डिफरेंट वर्ड्स का तो फिर आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं किड्स वर्ड्स कॉन्वेंट प्री स्कूल करके यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे को यह मिलने की अपॉर्चुनिटी है। ओके गाइस, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। ओके तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।